लोग कई बार कहते हैं जी अचीव तो करना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूं। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि टाइम जो है उसको आप मैनेज कभी नहीं कर सकते हैं। ऑल यू कैन डू इज मैनेज योर सेल्फ इन रिलेशनशिप विद टाइम। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज हो जाती है कि अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उन पर फोकस करना जरूरी होता है। अब कुछ होते हैं गोल्स जो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं जिसमें लोग फोकस कर पाते हैं, जैसे एक हफ्ते का गोल है मेरे को, अगले एक महीने का मेरे पास गोल है, तो लोग उस पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जैसे ही गोल्स जो है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म होते चले जाते हैं, वहां लोगों का फोकस धीरे धीरे उसमें से हटना शुरू हो जाता है। और लोग ये रियलाइज करते हैं कि मैं एक गोल को अचीव करने के लिए मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका फल जो है इमीडिएटली नजर में नहीं आ रहा। और कुछ गोल ऐसे ही होते हैं जिनका फल आपको नजर में आएगा काफी टाइम के बाद। अगर वो काफी टाइम के बाद नजर में आ रहा है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारा डिटर्मिनेशन कम ना हो, हमारी परसिवियरेंस कम ना हो, हमारा पैशन कम ना हो और हमारा मोटिवेशन उसमें कम ना हो। सबसे पहले बैठ करके एक लंबी आप लिस्ट बनाइए कि ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे अगर ये लॉन्ग टर्म गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल यू माइट रियलाइज कि आपके कुछ ऐसे होप्स हैं, आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, आपके कुछ ऐसे एस्पिरेशंस हैं जो आप अचीव कर पाएंगे। हो सकता है वो आपके अपने लिए हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, हो सकता है कि वो आपके लव्ड वंस के लिए हो, और कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि वो कम्युनिटी के लिए हो। तो मैं कह रहा हूँ जो भी आपके बेनिफिट्स हैं जो आपको समझ में आते हैं कि अगर आप वो गोल्स अचीव करेंगे आप उनको पाएंगे, आप उनकी लिस्ट बनाइए। मेरा ये कहना है कि एक लिस्ट बनाइए और इतनी लंबी लिस्ट बनाइए कि आपको जब उसको देखें आप देखें उसको तो आपको लगे कि अगर ये सब मुझे जिंदगी में मिल जाए तो इट विल बी ब्यूटीफुल, इट विल बी अमेजिंग अगर ये सारी अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में आ जाए। और वंस इन अ वाइल उस लिस्ट पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप बार बार उस लिस्ट को देखिए, उसको पढ़िए, उसको विजुलाइज करिए, जब ये मेरी जिंदगी में आएगा तो कैसा होगा, जब हम वो ड्रीम हॉलिडे लेंगे तो कैसा होगा, जब मैं वो नई गाड़ी चलाऊंगा तो कैसा लगेगा, जब वो नया घर होगा तो कैसा होगा, जब मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे तो कैसा फील होगा मेरे को। और जितना ज्यादा आप वो फीलिंग को महसूस कर पाएंगे और आप उस प्लेजर पे फोकस कर पाएंगे कि जब ये सब मेरे को मिल जाएगा तो मेरी लाइफ में क्या प्लेजर आएगा, उतना ही ज्यादा आप उस पर फोकस कर पाएंगे। इस बात को याद रखिए कि अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें शॉर्ट टर्म पेन तो लेना पड़ेगा। सो इसमें ये जरूरी होता है कि हम रियलाइज करें जो हमें लॉन्ग टर्म गेन्स मिलने वाले हैं उसके सामने ये शॉर्ट टर्म पेन जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो बहुत छोटा है। और जितना ज्यादा आप अपने लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस कर पाएंगे, उन पे ध्यान दे पाएंगे, उनको बार बार देखेंगे, मैं तो कई बार कहता हूं कि उसको रोज देखिए, हफ्ते में एक बार बैठ के देखिए और अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते जाइए कि अगर मैंने अपने ये गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए मुझे ये शॉर्ट टर्म पेन लेना जरूरी होगा। और जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म गेन्स पे अपने फोकस को ले जाएंगे, उसके एसोसिएटेड फीलिंग्स को महसूस कर पाएंगे, उतना ही उन लॉन्ग टर्म गेन्स के सामने वो शॉर्ट टर्म पेन जो है आपको इनसिग्निफिकेंट लगेगा, आपको छोटा लगेगा और आप कहेंगे अपने आप से ये शॉर्ट टर्म पेन तो मैं लेने को तैयार हूं क्योंकि मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो है लॉन्ग टर्म गेन्स। अगर वो लॉन्ग टर्म आपका जो गेन है वो काफी टाइम के बाद आने वाला है तो बीच में आप माइलस्टोन्स अपने फिर से बनाइए और हर एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करिए ताकि जो प्लेजर मिलना है आपको वो सिर्फ एंड में ना मिले लेकिन वो हर एक माइलस्टोन को अचीव करने के बाद भी आपको प्लेजर मिलता रहे। और जितना आप रियलाइज करेंगे कि आप माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, आपको उससे भी प्लेजर मिल रहा है, आप उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने एंड गोल तक पहुंच पाएंगे। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करिए, हमेशा रियलाइज करिए जो आपकी की प्रायोरिटीज हैं, जो आपका की गोल्स हैं आपके, उस पे आपका ज्यादातर टाइम लगना चाहिए, ज्यादातर एनर्जी लगनी चाहिए ताकि आपका फोकस उस पे रह सके। अगर आप इनसिग्निफिकेंट चीजों पे फोकस करेंगे अपनी लाइफ में तो लाइफ भी जो है वो धीरे धीरे इनसिग्निफिकेंट बन जाती है। तो जरूरी रहता है कि हम उन सिग्निफिकेंट चीजों पे फोकस करें, उनकी क्लैरिटी लें और जानें कि उसमें लॉन्ग टर्म गेन्स क्या हैं, अपने आप को रिमाइंड कराएं लॉन्ग टर्म गेन्स और अपने आप से ये बार बार कहते रहें अपनी सेल्फ टॉक में कि जो भी शॉर्ट टर्म पेन में ले रहा हूं उस लॉन्ग टर्म गेन के लिए ले रहा हूं और इस लॉन्ग टर्म गेन के सामने ये शॉर्ट टर्म पेन जो है वो कुछ नहीं है। अगर आप ये अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, ये कॉन्वर्जेशन आपके माइंड में रहेगी, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेन फोकस्ड एंड अचीव योर गोल्स।